तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7। और मैं जा रहा हूं अभी ग्राउंड की तरफ। अगर मैं किसी को गाली देता या किसी को कुछ भी बुरा बोलता तो मैं खुद मानता हूँ कि ये चीज बेकार है। और बस चली है कॉलोनी पपरोड़े ओड़ ड्राइवर अंबर सिंगा। तो हेलो भाई लोगों, सब बढ़िया भाई? उम्मीद करूंगा सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने घरों में भाई सब सुरक्षित होंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आप मौसम देख सकते हो, कोहरा लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल घना नहीं बोल सकते पर लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से भाई वीडियो भी नहीं आ पा रही है क्योंकि भाई कहीं जाने का प्लान हो नहीं रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई रस्सी ढूंढने, क्योंकि कल शाम को हम एक्सरसाइज करने गए थे ग्राउंड पे और हमारी रस्सी खो गई, तो वही ढूंढने जा रहा हूँ कि मिले या ना, देखते हैं। अभी हरिद्वार PAC में और ये पूरा पुलिस वालों का एरिया है और ये है यहाँ शिव भगवान जी का मंदिर। और भाई मंदिर के बगल में ही ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, 400 मीटर के लगभग ग्राउंड है और यहाँ काफ़ी सारे बच्चे रनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं भर्ती की। और यह है भाई बीम का, तो यहाँ पे बीम मारते हैं। तो और यह है भाई अपनी रस्सी, ये अपनी रस्सी कूदने वाली रस्सी है। और यह है भाई ग्राउंड इधर, बाकी इधर कुछ प्रोग्राम हो रहा है शायद, तो पुलिस वाले हैं खड़े हुए इधर आगे की साइड, तो हम अभी इस ग्राउंड में नहीं जाते क्योंकि शायद अभी अलाउड ना हो यहाँ आना ग्राउंड में, प्रोग्राम चल रही। तो भाई अभी मैं हूँ जा रहा दूसरे ग्राउंड की तरफ क्योंकि वहाँ पुलिस वाले हैं तो वहाँ जा नहीं सकता, वो अलाउड नहीं करेंगे कि यहाँ आओ दौड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए। बाकी जो ये मेरे पीछे आप देख सकते हो जो भी बिल्डिंग है सारी PAC वालों की है और ये सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ जो भी पुलिस वाले हैं उनकी फैमिली रहती हैं इधर, तो काफ़ी बड़ा एरिया है PAC का। तो भाई यह है दूसरा वाला ग्राउंड, तो यह हमेशा खुला रहता है लोगों के लिए, मतलब जो PAC वाले जो PAC के अंदर रहते हैं उनके लिए यह हमेशा खुला रहता है। तो इसकी वीडियो मैंने पहले दिन भी बताई थी। और यह है लगभग 390 मीटर के आसपास लंबा। तो अब भाई थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं और चलते हैं फिर घर। तो भाई एक्सरसाइज वगैरह सब कर लिए और अब चलता हूँ मैं घर। और भाई मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि मेरी जो चैनल की सबसे बढ़िया वीडियो चल रही थी जिस पे अभी 1.5 लाख करीब व्यूज़ आए, तो उस पे किसी ने भाई रिपोर्ट कर दी। तो भाई जिसने भी वो रिपोर्ट करी, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो भाई मुझे पक्का कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपने रिपोर्ट क्यों करी, क्या बोल के करी, है ना।
तो क्योंकि भाई अगर मैं किसी को गाली देता या किसी को कुछ भी बुरा बोलता तो मैं खुद मानता हूँ कि ये चीज़ बेकार है और रिपोर्ट करनी चाहिए। तो पर मैंने किसी को गाली नहीं दी और ना मैंने किसी को बुरा भला बोला, बस अपना नॉर्मल ब्लॉग बना रहा था। तो पता नहीं क्यों आपने भाई रिपोर्ट कर दी, और मेरे गूगल एडसेंस में बहुत दिक्कत कर रही है क्योंकि मैं 3-4 हफ्ते से लगातार कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा है। बाकी भाई बता देना आप जो भी हो, और जो भी भाई बहन मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बात होती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, अमित डोबरियाल 22 करके, और आप मेरे को अपनी बातें शेयर कर सकते हो, जो भी आपकी राय हो वो दे सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी मैं अभी घर में पहुंच गया हूँ और छत में घूम रहा हूँ, तो भाई अभी मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे बस आपको यही चीज़ें बतानी थी, यही बात बतानी थी कि मेरी वीडियो पे किसी ने कंप्लेंट कर दी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्यों कर दी भाई कंप्लेंट, मैंने कुछ ऐसा करा नहीं था वीडियो में। बाकी करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, और आप अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करिए। कोरोना हालांकि कम हो गया पर ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो घर में रहिए भाई, और मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे व्लॉग में। मैं किसी दिन मेन हरिद्वार की तरफ जाऊंगा तो आपको वहाँ घाट वगैरह के दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ बहुत सज गया, अच्छे से काफ़ी सजावट हो गई है कुंभ के चक्कर में। तो चलते किसी दिन और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।